हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इस बाइक को। मैंने लगभग 11,500 किलोमीटर राइड कर लिया है। तो राइड करने के दौरान मुझे क्या क्या प्रॉब्लम इस बाइक में लगी और इन सब चीज़ों को, इतना लगभग एक साल होने जा रहा है, अभी पूरा एक साल नहीं हुआ है, लगभग 11 महीने हो चुके हैं इस बाइक को लिए हुए। हमारी बाइक कुछ इस कंडीशन में, अभी कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है और कोई भी मैंने क्लेम वगैरह नहीं कराया है। तो ओवरऑल देख सकते हैं बाइक को, और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन भी मैंने करा रखे हैं इस बाइक पे, जैसे कि ये हैंड गार्ड वगैरह, जो कि आपने वीडियोस देखे हुए हैं हमारे चैनल पे। तो ये हैंड गार्ड लगाने के बाद मैं रैप कराने वाला था, तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई ये इसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी भाई ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये KTM वाले हैंड गार्ड होते हैं और मैंने इसे KTM शोरूम से नहीं लगवाया था, हालांकि इसे ऑनलाइन मंगाया था, जो कि मुझे बहुत ही चीप प्राइस में पड़ गए थे, अप्रॉक्स 400 रुपये के पड़ गए थे। तो KTM में जो है वो लगभग 1,000 के समथिंग है, तो KTM में महंगे हैं और मुझे नहीं पता है कि ये ओरिजिनल KTM का है या कॉपी है, तो वो मुझे नहीं पता है। बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब क्या है, मैंने 12,000 किलोमीटर राइड तो किया है, इस बाइक में मुझे प्रॉब्लम क्या लगी। तो पहली प्रॉब्लम इसमें मैं बता दूँ आपको कि इसमें जो ब्रेक है, अगर आपके बारिश होती है आपके शहर में और आप टाउन में या शहर में जहाँ भी रहते हैं और लेके जाते हैं और बाइक भीग जाती है, तो बहुत सी बाइकों में होती है, लेकिन प्रॉब्लम वो सही भी हो जाती है। मेरे टाउन में काफ़ी टाइम हो चुका है बारिश को हुए हुए, लगभग 10-15 दिन तो हो चुका है, और अभी तक इसमें चूँ चूँ की आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने लगभग, हो सकता है मैंने काफ़ी ज़्यादा राइड नहीं करी है, लेकिन फिर भी मतलब भर तो मैंने राइड कर ही लिया है बारिश के बाद में, फिर भी अभी भी आवाज़ आती है। और अदर बाइक में क्या होता है कि बाद में आवाज़ चली जाती है, वो जैसे ही धूप वगैरह में खड़ी होती है बाइक तो आवाज़ चली जाती है, लेकिन अभी भी इसमें जब मैं ब्रेक लगाता हूँ, रियर ब्रेक में है, क्योंकि इसमें डिस्क नहीं, ड्रम है रियर में, तो ये डिस्क ब्रेक में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ड्रम में आती है, तो ये चूँ चूँ की आवाज़ करने लगती है। तो ये जब भी आप लेके जाएंगे कहीं पर और एकदम से ब्रेक मारेंगे तो ना बहुत तेज़ से चूँ की आवाज़ करने लगती है, तो वहाँ पर बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार देखते हैं बाइक अपनी कि चूँ चूँ एक अलग सी आवाज़ लगती है, खतारा सी हो गई बाइक। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम ऐसी लगती है मुझे, बट पता नहीं मुझे क्या है। ब्रेक शू तो सारी बाइक में फूलते हैं, लेकिन धूप में खड़ी होने पे थोड़े दिन बाद सही हो जाती है, 2-4 दिन बाद, बट इसमें अभी भी नहीं सही है। तो अभी आगे और देखते हैं कि यह सही होता है या मुझे शोरूम में लेके जाना पड़ेगा, क्या ही प्रॉब्लम है, तो वो सब दिखाते हैं। दूसरा ये देख सकते हो यहाँ पे जो है, ज़रा आप पास आके दिखा दो, ये पार्ट है जो, ये पता नहीं, जैसे मैं बाइक लेके आया था ना, तो उसी टाइम पे ये पार्ट जो था, ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा गैप सा है, और हालांकि मैंने डुअल साइड टेप भी इसमें लगाया था तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये बहुत गैप सा है। आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरी ही बाइक में है या आपकी भी बाइक में ये प्रॉब्लम है। तो एंड दूसरा चीज़ बता दूँ मैं आपको कि और क्या मुझे प्रॉब्लम लगी, हालाँकि यहाँ पर इको पावर मोड दिया है, बट इसका कोई बहुत ही खास यूज नहीं होता है, मैंने तो इसका यूज ही नहीं आज तक किया है, सिर्फ लॉन्ग राइड पे गया हूँ तो इसे, क्योंकि ये 95 के ऊपर नहीं जाती इको मोड में, तो जाहिर सी बात है तब मुझे पावर मोड लगाना ही पड़ता है, और टाउन में तो मैं इको मोड पे ही लगाता हूँ। लोग कहते हैं इको मोड पे लगाने पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज देती है, लेकिन मेरे ख्याल से ना ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप पावर मोड में लगा के, जैसे ही आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि उस हिसाब से देगी माइलेज, ना कि ये इको और पावर मोड पे, क्योंकि मैंने देखा है पावर मोड में भी अगर आप 40-50 चलाएंगे तो आपका अच्छा माइलेज दे देगा, और इको मोड पे भी अगर आप 40-50 चलाएंगे तो अच्छा माइलेज देगा। अगर इको मोड पे आप काफ़ी तेज़ चलाते हैं तो ये उसी टाइप से माइलेज देगा जैसा कि पावर मोड में देती है, तो ऐसा कुछ खास इसका नहीं था। यहाँ पे कायदे में देखा जाए तो इसमें इंजन की स्विच दे देना चाहिए था इको और पावर मोड हटा के, कुछ नई चीज दी तो है लेकिन इसका मुझे खास यूज नहीं लगता। जो इसका टायर है वो ओवरऑल ठीक ठाक है, बट इसे ना थोड़ा चौड़ा कर देना चाहिए था। अब बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे इस प्राइस रेंज में, मैंने पहले वीडियो बनाया था ना उसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया कि इस प्राइस में ना यही आपको मिलेगा, और प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत, मैं बोलता हूँ कि प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इसमें ना बैक में अगर थोड़ा वाइट टायर होता तो इसका लुक और इन्हेंस हो जाता, तो बाइक थोड़ा अट्रैक्टिव लगती। फिलहाल ओवरऑल 125cc के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी बाइक बनाई गई है, बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि ये आप 125cc की बाइक राइड कर रहे हैं, और फिलहाल बहुत ही अच्छी है चलने में भी, लेकिन यही थोड़ी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है। इसका शॉकर जो है, फ्रंट शॉकर, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला है, जैसे कि नॉर्मल प्लेटिना वगैरह में आता है उसी टाइप का है, तो ये भी एक मेजर इशू है। बट मैं रियर सस्पेंशन की बात
बताऊँ तो आपको बहुत ही अच्छा है। उसका सस्पेंशन आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, सीट भी बहुत कंफर्टेबल इसकी है। तो ओवरऑल यही था, एक शॉर्ट सिंपल था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेगा। कुछ यही थी प्रॉब्लम्स और बाकी बाइक ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक है। इसको जज मत करना कि हाँ ये हर बाइक में होती हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ ज़रूर होती हैं। तो ओवरऑल यही था शॉर्ट सिंपल था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।